हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गई। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 19.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक डायगोनल हमको गिवन है, एरिया गिवन है, और दूसरे डायगोनल को हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? उसका जो फॉर्मूला है, रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। तो डी वन हमारा डायगोनल वन, डायगोनल टू, डी टू है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, इसी में से हम सेकेंड डायगोनल को निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा 148.8 इक्वल टू हाफ इंटू 19.2 इंटू डी टू को हम जैसा को वैसा रख देंगे। सेम इसमें क्या करेंगे, ये डी टू को हम, ये सब जो ए टू है ना, यहाँ पर डिवाइडेड है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 148.8। एंड ये जो 19 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, राइट में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आ जाएगा 19.2 हो जाएगा, और ये डी टू है कि नहीं। नेक्स्ट, सेम वही डी टू को हम यहाँ ले आएंगे, बस एक्सचेंज करेंगे लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, तो वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, करेक्ट। अभी सॉल्व करेंगे, डी टू हमको चाहिए, 2 इंटू इसी को 148.8 को पॉइंट हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, 10 डिवाइड करना होगा, और इस 19.2 को क्या करेंगे, इस 19.2 में हम जो डिवाइड करेंगे 10 को, यहां पर मैं फिर से कर देती हूँ, 192 डिवाइडेड बाय 10। तो सेम हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1488, ये जो 10 है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस 10 यहाँ है, और 192 वैसा को वैसा रह जाएगा, बस यहाँ पर जो 10 है ना, ये जो 19.2 है वो उसी का जो पॉइंट हटाने के लिए हम 10 को डिवाइड किए थे, करेक्ट, उसी 10 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये 10 कट हो जाएगा, बाकी 2 इंटू 1488 डिवाइडेड बाई 192 को हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10 तो कट हो गया, इसी को हम 10 पे डिवाइड करेंगे, वो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, ये 6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 में अगेन डिवाइड करेंगे, 2 में हमारा कितना आ जाएगा, ये 48, और इसको 2 में डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 4 4, अगेन 2 में डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 24, और इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, नेक्स्ट 2 7 जा 14, और ये 2, नेक्स्ट इसमें ये 12, और इसको 2 में कट करेंगे, 2 1 2 8 जा 2 8 जा, सॉरी 12 आ गया, तो 2 6 जा 12, हाँ यहाँ पर 2 है, तो नेक्स्ट हम अगेन डिवाइड करेंगे, 2 6 जा देन 2 3 93 बाय 6, 93 बाय 6 हम किस पे डिवाइड करेंगे, इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 3 1 जा, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 31 डिवाइडेड बाय 2, हमारा फाइनल कितना बचा, 31 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 3 1 जा, नेक्स्ट 3 5, नेक्स्ट पॉइंट 3 5 सेंटीमीटर। तो डी टू हमारा कितना, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 15.5 सेंटीमीटर, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
The area of a rhombus is 119 centimeter square and its perimeter is 56 centimeter. Find its height. तो हम यहाँ पर हमारा डायगोनल गिवन नहीं है, तो हाइट कैसे रोम्बस का हम फाइंड करेंगे? इसी पेरीमीटर से हम पहले एरिया को निकालेंगे, एरिया फॉर्मूला से हम डायगोनल फाइंड करेंगे. तो पेरीमीटर रोम्बस का गिवन है, करेक्ट. तो रोम्बस का पेरीमीटर चारों साइड 56 गिवन है, तो साइड लिख देंगे, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, जो कि 56 डिवाइडेड बाय 4, इसमें कट करेंगे, 5 4 1 जा 4 4 जा 14 सेंटीमीटर, करेक्ट. एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. क्यों? क्योंकि ये एक साइड है और ये एक साइड है. क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं रोम्बस पे, जब कभी डायगोनल गिवन ना हो. तो एरिया ऑफ रोम्बस का वैल्यू पुट करेंगे और बेस कितना, बेस इज इक्वल टू हमारा ये सेम है, मतलब ये जो साइड हमारा निकला रोम्बस का, सेम वही हमारा क्या होगा, बेस ही होगा. एंड हाइट को हम ऐसे ही लिख देंगे, आप एच भी लिख सकते हो. तो 109 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू हाइट. नेक्स्ट हम हाइट एच में लिख रही हूं, 19 डिवाइडेड बाय 14, इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 7 पे, 7 टू जा, नेक्स्ट 7, 7 पे इसे करेंगे डायरेक्टली, 14 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 119 14 14 8 जा 112, 9 2 जा 9 2 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, पॉइंट लगाया 0, 14 5 जा 70 हो गया. तो फाइनल हमारा हाइट कितना आया, 8.5 सेंटीमीटर, जो कि हमको चाहिए था, है कि नहीं. देयरफॉर हाइट ऑफ रोम्बस इज 8.5 सेंटीमीटर, आंसर करेक्ट. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.